दिस वीडियो इज एन एसोसिएशन विद पे नियरबाय ऐप। पे नियरबाय ऐप के जरिए एक्स्ट्रा आमदनी का शटर खोले, ज्यादा आमदनी और व्यापार बढ़ाने के कई अवसर पाए। मेरे दुकानदार भाई, तुरंत डाउनलोड कीजिए पे नियरबाय ऐप। देश में जातिवाद खत्म हो गया है। जाति के नाम पर अब कोई भेदभाव नहीं होता है। दलितों के साथ उत्पीड़न जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे देश में कई लोग अक्सर ऐसी लाइनें कहते आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम आज आपको दो खबरें बताएंगे। इन लाइनों सूक्तियों पर आपको फिर से सोचा जाना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होगी। पहली खबर राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर का नीलकंठ गांव, यहां के एक मंदिर में पुजारी ने दलित समुदाय से आने वाले नए शादीशुदा जोड़े को पूजा पाठ करने से रोक दिया। पुलिस ने इस आरोप में रविवार 24 अप्रैल को पुजारी को गिरफ्तार भी कर लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार 23 अप्रैल की घटना है। 23 अप्रैल को कूका राम नाम के व्यक्ति की बारात नीलकंठ मंदिर में पहुंची थी। शादीशुदा जोड़ा मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहता था, पुजारी ने रोक दिया। वीडियो वायरल हो गया जिसमें आरोपी पुजारी वेला भारती शादीशुदा जोड़े को मंदिर के गेट पर रोकते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना से नाराज परिवार वालों ने पुजारी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस शिकायत के मुताबिक दुल्हन के एक रिश्तेदार ताराराम ने पीटीआई को बताया, जब हम मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने हमें रोक दिया और बाहर ही नारियल चढ़ाने को कहा। कुछ गांव वाले भी बहस में भिड़ गए और पुजारी का समर्थन किया। हमने पुजारी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद हमने पुजारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। परिवार की शिकायत के बाद पुजारी के खिलाफ SC ST अत्याचार रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज किया गया और फिर रविवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर का गड़ाना कस्बा, यहाँ एक CRPF जवान को अपनी बारात में घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी। वजह उसका CRPF में जवान होना नहीं बल्कि उसका दलित होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गड़ाना के रहने वाले जवान गौरव ने बारात के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस में आवेदन दिया था। उन्हें डर था कि घोड़ी चढ़ने पर गांव में तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के साथ विवाद होगा, क्योंकि गांव में दलितों के घोड़ी चढ़ने पर पहले भी विवाद हो चुके हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गौरव ने बताया, पहले भी गांव में एक युवक ने बारात निकाली थी जिससे नाराज होकर दबंगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। हमारे गांव में दलित लोगों को खुशी मनाने का हक नहीं है, लेकिन मैं घोड़ी चढ़ना चाहता हूँ। गौरव के आवेदन पर बुलंदशहर पुलिस ने गांव में बारात के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी थी। कई पुलिस वाले गांव में छतों पर भी तैनात रहे। बारात निकलने के बाद पुलिस ने बताया कि कार्यक्रम सही तरीके से पूरा हो गया और कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। इस दौरान करीब 50 महिला और पुरुष पुलिसकर्मी गांव में मौजूद थे। ये थी दो खबरें। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।